पूछे ही बहुत ऐसा कभी मेरे भी फोटो खींचे रिश्ते वाले यहीं पहुंच जा। ओए बिच्चा कर लगा रहा चकर बिच्चा कर रुको भाई एक सेकंड एक सेकंड आप आओ आ जाओ इधर आ। डब्लू नाम बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही सही तरीके से एग्जाम चल रहे हैं, काफी सख्ती है। तब भी अभ्यर्थी अपनी जगह बजाय में अपने साथियों को परीक्षा में बैठा रहे हैं, क्योंकि प्रवेश पत्र पर फोटो इतना क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। धुंधली फोटो होने का फायदा उठाते हुए ये कैंडिडेट जो है बजाय में बैठा रहे हैं। अभी अभी तीन लड़के इस तरह के पकड़े गए हैं, यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक हैं रावत साहब, उन्होंने पकड़े हैं। और एक मेरे पास कहीं से सूचना थी मुखबिर की कि एक बजाय में लड़का अंदर बैठा हुआ है, तो बाहर से कैंडिडेट पकड़ करके उसकी पहचान कराई गई, तो वो भी पकड़ गए। आप उसका नाम बबलू सोनभ मुरारी है, भरतपुर के रहने वाले। कुल कितने पकड़े हैं? तो अभी तक कुल तीन लोग पकड़े गए हैं, जो कि हमारी कस्टडी में है और तहरीर प्राप्त हो रही है, मुकदमा लिखा कर लिखा जा रहा है, कार्रवाई की। ठीक है। किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। मथुरा जनपद में नकलविहीन परीक्षा हो रही है और आगे इससे भी ज्यादा नकलविहीन परीक्षा होगी। आज कितने मुन्ना भाई पकड़े? अब तक कुल कितने मुन्ना भाई पकड़े गए? आज 6 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। 3 मुन्ना भाई सौरभ इंटर कॉलेज खायरा में पकड़े गए हैं और 3 कैलाशी देवी इंटर कॉलेज पचावर में पकड़े गए हैं। क्या कार्रवाई की इनकी? उनको पुरुष को सुपर्द कर दिया गया है और उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराई गई। अच्छा, अब तक परीक्षा कितने छात्र जो छात्राएं छोड़ चुके हैं? आज कुल 12,463 परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। 44,000 में से 12,000 बच्चे परीक्षा छोड़ दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि नकल करने का मौका उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो फेल होने की आशंका से ग्रस्त होकर के परीक्षा छोड़ रहे हैं। क्या आज हम लोगों ने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, देखा विद्यालयों को नकल माफियों ने घेरा हुआ है, खेतों में जाकर के वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, खेतों में पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू हो, उनको वहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा है। तो खेतों में क्या करते हैं वो? नहीं, अब ये वो जाने खेतों में क्या करते हैं, इसका जवाब हम वही दे सकते हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी परीक्षा केंद्र पर न कापी बाहर जा रही है, न पेपर बाहर जा रहा है, न 200 मीटर की परिधि में किसी को रुकने दिया जा रहा है। ये माध्यम सुरक्षा की कुछ कमी है, इसके चलते हो रहा है? ऐसी कोई बात तो नहीं है, फिर भी हम एसएसपी महोदय से बात करेंगे, इस संबंध में जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, नकल माफिया जो हावी होते जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई नकल माफिया हावी नहीं हो रहा है, हम लोग एक रणनीति बना करके उनके हौसलों को पस्त कर रहे हैं और आगे और आने वाले जो गणित अंग्रेजी विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के पेपर्स हैं, एक रणनीति के तहत हम उनके हौसले और पस्त करें। जो बच्चे एग्जाम छोड़ गए क्या कहेंगे? नकल विहीन परीक्षा का शासन का जो दावा है उसके भैसे छोड़ के गए? बिल्कुल बिल्कुल, शासन की मंशा के अनुसार मथुरा में परीक्षा कराई जा रही है, कोई नकल नहीं हो रही है और बच्चे नकल न कर पाने के कारण परीक्षा छोड़ करके भाग रहे हैं। कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जो ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं डर की वजह से? बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अध्यापक अभी नहीं आ रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कल भी बैठक की गई थी, आज 3 बजे फिर उनकी बैठक की गई है। 9 तारीख की परीक्षा में हम सारे शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे।